Hey guys, welcome to my channel Indian Stunning Diva, all about fashion, beauty and home. So guys, I'm back with again a very useful and informative video, because aaj is video mein main aapko bataungi ki baalon mein hair steam kaise le aap ghar mein, jo natural method hota hai aur gharelu, jise aap keh sakte hain gharelu tarika, uske us tarike se hairs mein steam kaise le ghar mein hi. मैं ट्वाइस या थ्राइस इन अ मंथ स्टीम ज़रूर लेती हूँ, बिकॉज गाइज ट्रस्ट मी, अगर आप स्टीम लेते हैं, अपने बालों को स्टीम देते हैं आप, तो यू आर रियली गिविंग योर हेयर्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट. आपको किसी भी डॉक्टर या किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बालों में वॉल्यूम नहीं है, आपके बाल बहुत ज़्यादा, आपके जो एंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं और बहुत आपके बालों की क्वालिटी बहुत ख़त्म हो गई है, बाउंस नहीं रह गया, तो आप जब भी हेयर ऑयलिंग करिए, कोशिश करिए कि आप दो या तीन बार तो ले ही लें. अगर आप नहीं ले सकते हैं, इतना टाइम नहीं है आपके पास गाइस, तो कम से कम एटलीस्ट वंस इन अ मंथ तो लीजिए ही लीजिए स्टीम. मैं क्या करती हूँ, मैं हाफ एन आवर का टाइम सेट लेके चलती हूँ एंड 10 मिनट्स के लिए अपने बालों में टॉल रैप करती हूँ. फिर जब वो ठंडी हो जाती है, मैं फिर उसको स्क्वीज कर लेती हूँ हॉट वाटर में, ल्यूकॉम वाटर में डिप करके स्क्वीज कर लेती हूँ. देन फिर मैं मतलब ऐसे 10-10 मिनट के लिए मैं आधे घंटे में 3 सेट्स ले लेती हूँ स्टीम के, जिससे क्या होता है ना कि मेरे बालों में हाफ एन आवर की स्टीम भी मेरे हेयर्स को मिल जाती है एंड बहुत ज़्यादा मुझे हेक्टिक भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं ये जो प्रोसीजर है ये मैं तभी करती हूँ जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ. तो मैं अपने बालों में सिंपली टॉवल को रैप कर लेती हूँ और साथ ही साथ मैं अपने घर के जो काम होते हैं उनको भी निपटा लेती हूँ उसी के साथ. तो मतलब आप बस मैनेज कर लीजिए किसी तरीके से कि आपको किस तरीके से करना है. ज़रूरी नहीं है आपकी टॉवल लपेट के, आप टॉवल सर में लपेट के समय तो आपको बैठ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप आराम से टॉवल अपने सर में रैप कर लीजिए स्टीम जब आप ले रहे हैं, और उसके बाद आप आराम से घर के काम निपटाइए. 10 मिनट बाद फिर अगर आपको लगे कि हाँ आपकी टॉवल ठंडी हो गई है 10-15-20 मिनट बाद, तो अगर आपको और लेना है, आपके पास टाइम है, तो आप फिर से उसे डिप करके स्क्वीज कर लीजिए, फिर से ले लीजिए. आप ट्रस्ट करिए गाइस, ट्रस्ट मी एंड ट्राई दिस वंस. एक बार आप इस बार जब आप ऑयलिंग करिए अपने बालों में, तो आप एक बार स्टीम लीजिए. बस मैंने जो आपको मेथड दिखाया बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, और सबसे मेन चीज़ ये, कुछ बिना कुछ इतने एफर्ट्स किए हुए आपको आपके बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी. अगर आपका बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो आपको उससे बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगा. बिकॉज स्टीम लेने से क्या होता है ना कि हमारे जो ऑयल होता है वो पोर्स के अंदर जाता है पूरी तरीके से. मैंने इससे पहले जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था वो था हेयर ऑयलिंग कैसे करें अपने बालों में स्टेप बाय स्टेप, और फिर हेयर ऑयलिंग करने के बाद मैं हाफ एन आवर के लिए अपने बालों को टाई कर लेती हूँ एंड देन हाफ एन आवर के बाद मैं स्टीम लेती हूँ हाफ एन आवर के लिए, या जिस हिसाब से मेरे पास टाइम रहता है मैंने आपको बताया. फिर उसके बाद 5-10 मिनट आपको टाल स्टीम लेने के बाद अपने सर से टाल हटा के 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो आपके बालों में स्टीम की वजह से जो स्कैल्प आपकी गर्म है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए. देन उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं. अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हेयर ऑयलिंग करने के बाद आधा घंटा एक घंटा छोड़ें अपने बालों को, तो आप हेयर ऑयलिंग करने के बाद तुरंत स्टीम लेके तुरंत भी शैम्पू कर सकते हैं. लेकिन बस स्टीम लेने के बाद 5-10 मिनट आपको छोड़ना है, उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ध्यान आपको ये रखना है कि आपकी ऑयलिंग अच्छे से होनी चाहिए, मतलब स्कैल्प में अच्छे से तेल लगना होना चाहिए. शैम्पू जो आप यूज़ करें वो आपका हर्बल शैम्पू होना चाहिए, मतलब कि आजकल जो ये केमिकल वाले शैम्पू आते हैं उसको अगर आप यूज़ करेंगे गाइस, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है आपका, उल्टा कोई भी असर नहीं होगा. फिर आप ये वीडियो को देखेंगे और जब आप करेंगे तो आप ये कहेंगे झूठ बोला और फेक वीडियो अपलोड किया, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप अच्छा हर्बल माइल्ड शैम्पू, जो आपकी स्कैल्प के लिए बहुत माइल्ड हो, वो शैम्पू अगर आप यूज़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैंने हेयर फॉल को फेस किया है, उसके बाद मैंने जो स्टेप्स, जो प्रोसीजर, हेयर केयर प्रोसीजर मैंने जो स्टार्ट किया, उसके बाद जो मुझे हेयर ग्रोथ हुई, मेरे अभी भी बेबी हेयर्स आ रहे हैं छोटे छोटे. जो प्रोसीजर है ये बहुत अच्छा है, आप एक बार ट्राई करिए. अगर आपके पास, वैसे मैं तो मंथ में 4 टाइम्स लेती हूँ हर वीक, लेकिन अगर आपके पास नहीं इतना टाइम तो आप वंस या ट्वाइस तो ज़रूर लीजिए एंड ट्रस्ट मी, आपको स्पा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
जो लोग पार्लर जाके महंगे महंगे स्पा वगैरह लेते हैं उनकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक तरीके का स्पा अपने बालों को प्रोवाइड कर रहे हैं घर में ही, तो आप एक बार ये मेथड ट्राई करके देखिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैंने किस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से मैंने हेयर्स में स्टीम दिया है अपने, तो वो कौन सा तरीका है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज़, अपने बालों में बहुत अच्छे से हेयर ऑयलिंग करने के बाद एंड स्टीम लेने से पहले मैं अपने बालों को कुछ इस तरीके से बांध लूँगी, जिसमें कि मैं अपने हेयर एंड्स को अपवर्ड डायरेक्शन में कर लूँगी। गाइज़, हमारे हेयर एंड्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड होते हैं, हेयर केयर में भी हम उनका उतना ध्यान नहीं देते हैं। सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रिजी भी वही हेयर एंड्स ही हमारे होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको इस तरीके से किया है ताकि स्टीम हमारी स्कैल्प हेयर लेंस के साथ हेयर एंड्स में भी पूरी तरीके से मिल पाए। तो अब फिर मैंने ल्यूकॉम वाटर ले लिया है एक बर्तन में। आप इतना गर्म पानी लीजिएगा जितना कि आप इजीली बेयर कर सकें। फिर गाइस, मैंने यहाँ पे एक टॉवल ली है जिसको कि मैं इस ल्यूकॉम वाटर में डिप करके और इसका एक्सेस वाटर स्क्वीज कर लूँगी एंड देन इसको मैं अपने बालों में 10 से 20 मिनट के लिए रैप कर लूँगी। सो गाइस, स्टीम की बात करें अगर, तो स्टीम हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है अगर हम स्टीम लेते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मंथ में 2 से 3 बार स्टीम ले लूँ। आप भी अगर 2 से 3 बार ना हो पाए तो एटलीस्ट वंस इन अ मंथ तो आप स्टीम लीजिए ही। गाइज, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, ब्रेकेज हो रहे हैं, तो स्टीम की हेल्प से आप इनको धीरे धीरे कम कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। स्टीम हमारे बालों को बहुत बाउंसी, वॉल्यूमनेस एंड सिल्की स्मूथ शाइनी बनाती है। बिकॉज जब हम स्टीम लेते हैं हेयर ऑयलिंग करने के बाद, तो जो हेयर ऑयल होता है वो हमारे बालों में एंड स्कैल्प में डीप रूट्स के अंदर जाता है, हमारे हेयर लेंस को बहुत कंडीशन करता है एंड बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब मैंने टाल अपने सर में इस तरीके से रैप कर ली है और इस टाल को रैप करने के बाद मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी एंड देन मैं किसी माइल्ड क्लेंजर से अपने सर को वॉश कर लूँगी, शैम्पू कर लूँगी। आप भी 10 से 20 मिनट रखिए। अगर बीच में आपको लगे आपकी टाल ठंडी हो गई है, इसका जो इसकी ल्यूकॉम वाटर था वो ठंडा हो गया है इसके अंदर, तो आप फिर से इसको डिप करके, स्क्वीज करके एंड फिर से अपने बालों में रैप कर सकते हैं। गाइज, स्टीम बहुत इफ़ेक्टिव एंड अच्छे रिजल्ट्स देती है अगर आप इसे करते हैं, तो आप एक बार ट्राई करिए एंड आप देखेंगे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स एंड चेंजेस मिलेंगे आपके बालों की क्वालिटी में जब आप स्टीम लेंगे। जब आप हेयर ऑयलिंग करके अपने बालों को स्टीम देते हैं तो आप अपने बालों को बहुत ही जल्दी घना और लंबा भी कर सकते हैं, बिकॉज आप एक तरीके का ट्रीटमेंट अपने बालों को दे रहे होते हैं उस समय। सो 10 से 20 मिनट स्टीम लेने के बाद 5 मिनट रुक के मैं शैम्पू कर लूंगी अब। तो गाइज, ये था मेरा आज का हेयर स्टीम वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि आपको स्टीम अपने बालों में कैसे लेना है, किन किन प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, और देखा आपने कितना सरल तरीका था, कोई भी हेक्टिक प्रोसीजर नहीं था जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आपके पास टाइम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना सरल उपाय ज़रूर है लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। घर में बैठे बैठे आप अपने बालों को एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं और हेयर ऑयलिंग करने के बाद ही किया जाता है, पहले मैं बता दूँ। तो ऐसे मत स्टीम लेने लगिएगा कि ऐसे रूखे बालों में स्टीम नहीं ली जाती है, हेयर ऑयलिंग करके ही स्टीम ली जाती है। हेयर ऑयलिंग आप अपनी पसंद का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बायोटिक का, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, ये हेयर ऑयल यूज़ करके स्टीम लिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितना यूज़फुल लगा और अगर आपने इस मेथड को ट्राई किया तो आपको ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दिया। और मेरे वीडियोज़ को लाइक किए, मेरे इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके आगे आएंगे, अभी आप देख पाएंगे, और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो मेरे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।